हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमन पब्लिक स्कूल. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइव क्लासेस. टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड 6 विषय हिंदी और हमारा सिलेबस है फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता, चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान, चैप्टर नंबर 3 चरा मुस्कुराइए, चैप्टर नंबर 4 पुस्तक हमारी मित्र. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अ जो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. फर्स्ट, नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? तो आएगा बी 3 सिक्के. नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? तो 3 सिक्के. क्वेश्चन नंबर 2, मन का मेल कौन दूर करता है? डी पुस्तकें. 3, जाने कैसे ये ब्लैंक थमी है? तो आएगा जाने कैसे ये धरती थमी है, बी धरती. क्वेश्चन नंबर 4, मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही ब्लैंक समझना, तो क्या समझना? घर. मकान नहीं आएगा, घर आएगा. ओके, मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही घर समझना. 5, कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? तो कौमुदी के पिता मानपत्रों की नीलामी करा रहे थे, सी मानपत्रों. 6, कवि किसकी रोशनी मांगता है? तो आएगा सी ज्ञान की, कवि ज्ञान की रोशनी मांगता है. 7, नेपोलियन कैसा इंसान था? तो नेपोलियन अनूठा इंसान था. 8, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है? तो ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता सी जिज्ञासा कहलाती है. 9, उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है? उमियानगर सोसाइटी कहाँ पे है? तो मुंद्रा में, मुंद्रा में है. 10, दुश्मन इससे हमें किसके खो जाने का डर है? तो दुश्मन इससे हमें खुद के खो जाने से डर है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ब, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, पत्थर, स्रोत, देश प्रेम, विश्वास, कौमुदी, ममता, अमरुद, किराया, जिज्ञासा और डेट. तो इसमें से सही जो आंसर है वो यहाँ इसमें लिखना है. फर्स्ट, कल मैंने रात के ब्लैंक बजे तक पढ़ाई की. तो डेट, कल मैंने रात के डेट बजे तक पढ़ाई की. सेकंड, किताबों से हमारी ब्लैंक पूर्ण होती है. तो किताबों से हमारी जिज्ञासा, जिज्ञासा पूर्ण होती है. 3, मैं ब्लैंक से कील ठोक रहा था. तो मैं पत्थर, पत्थर से कील ठोक रहा था. 4, गांधी जी ने ब्लैंक से कहा. तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा. 5, किताबें ज्ञान का ब्लैंक है. तो किताबें ज्ञान का स्रोत है, किताबें ज्ञान का स्रोत है. 6, तुम मुझे ब्लैंक क्यों नहीं देते? तो तुम मुझे किराया, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? 7, मन का ब्लैंक कमज़ोर होना, यानी कि मन का विश्वास कमज़ोर होना. 8, ब्लैंक से बढ़कर कुछ नहीं, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं. 9, लड़की ब्लैंक बेचने के लिए जा रही थी. तो लड़की अमरुद बेचने के लिए जा रही थी. 10, बॉस ब्लैंक से तू ये उठा ले. तो बॉस ममता से तू ये उठा ले. तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 अ और ब दोनों अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और अच्छी तरह से लर्न करना है. नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं पूछूँ तो सबको आना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. बाय.